तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस सिंबल की बात करेंगे। जितना भी साइंस सिंबल होता है, सूचना संकेत, चेतावनी के संकेत, देख सकते हैं चेतावनी का ऐसा होता है, सबके बारी बारी से बातें करेंगे और नियामक संकेत के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे गोल में ब्लू कलर का ऊपर की एरो है, तो केवल आगे के लिए ये संकेत होता है, और ग्रीन में गो लिखा होता है तो जाओ, है ना, ये होता है इसका मतलब। और देख सकते हैं थर्ड में इस तरह का जो लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं आगे बाएं मोड़, मतलब आगे जाके लेफ्ट मुड़िए, है ना, जिधर का एरो दिया हुआ है। नेक्स्ट जो देखेंगे आगे दाएं मोड़, मतलब आगे जाके राइट मुड़ना होता है। और नेक्स्ट देख रहे हैं दोनों तरफ का एरो है, मतलब किसी भी तरह से जाओ, आपकी मर्जी, लेफ्ट राइट, देख सकते हैं दोनों तरफ से जाओ, इसका मतलब ये होता है एरो का मतलब। नेक्स्ट जो देख रहे हैं बाएं रखे, अपना गाड़ी को बाएं रखे, है ना, हाँ दाएं रखे, सेम है। आगे दिया हुआ है देख सकते हैं कोई बैलगाड़ी नहीं, मतलब कोई भी बैलगाड़ी इसमें नहीं एंट्री कर सकता। कुछ कुछ रोड ऐसा होता है बिजी वाला जहाँ के आप बैलगाड़ी को नहीं घुसा सकते। नेक्स्ट है प्रवेश निषेध, मतलब वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है, हॉर्न ना बजाएं, इस तरह का रहेगा तो उस एरिया में आपको गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना है, हॉर्न ना बजाएं इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ओवरटेकिंग नहीं करना है, इसका मतलब होता है, है ना। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं पार्किंग नहीं, वहाँ पे आपको गाड़ी लगाना मना होता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ट्रक निषेध, मतलब ट्रक जाना मना, कुछ कुछ पतला रोड होता है ना, मंडी वाला रोड होता है, वहाँ पे आप ट्रक लेके जा नहीं सकते क्योंकि घुसेगा नहीं, मुड़ेगा ही नहीं। आगे है बाएँ मुड़ना वर्जित, मतलब लेफ्ट नहीं मुड़ सकते हैं, उधर नो एंट्री होगा। राइट मुड़ना मतलब दाएँ मुड़ना वर्जित, उधर नहीं मुड़ सकते हैं। यू टर्न निषेध, मतलब यू टर्न आप नहीं ले सकते, यू टर्न मतलब समझ रहे ना, आप पूरा घुमा नहीं सकते। पैदल निषेध, वहाँ पे आप पैदल नहीं, कुछ ऐसा रोड होता है जहाँ के आप पैदल भी नहीं चल सकते, है ना, आपके पास गाड़ी मोटर है तो जाइए, पैदल नहीं, पैदल निषेध लिखा हुआ। आगे जो देख रहे हैं आप क्या लिखा, बिना रुके, मतलब नो स्टॉप, यहाँ रुकना नहीं है, बिना रुके चलते रहे। आगे जो देख रहे हैं एक तरफ ट्रैफिक, सीधा जो रहेगा तो एक तरफ ट्रैफिक, एक तरफ ही आपको रहना है, एक तरफा ट्रैफिक, है ना, सीधा सीधा जाना है। आगे जो जैसे राउंड अबाउट गोल चक्कर छोटा चौराहा, तो इस तरह का बोर्ड लगा रहेगा कि आगे जो है क्या है, छोटा चौराहा है, इस तरह का है, तो रुके देखे जाए, इस तरह का स्टॉप रहेगा, इसका मतलब होता है रुकिए फिर देखिए फिर जाइए, कहेंगे स्टॉप का लगा रहता है, इसका मतलब क्या है, गति प्रतिबंध का अंत, इतना स्पीड में चलना है और ये अधिकतम गति इतना चलना है ना, इसका मतलब है प्रतिबंध समाप्त, मतलब कोई भी आपको साइन सिंबल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं रुको और रास्ता दें, रुको और रास्ता दें, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, हाँ मुड़ो, इसका जो है एक्सल भार सीमा, जो एक्सल होता है गाड़ी का उस पर 8 टन से ज़्यादा लोड नहीं रहना चाहिए। ये है दिखाया गया ऊंचाई पर कोई वाहन नहीं, 4 मीटर से ज़्यादा ऊंचा अगर कोई गाड़ी है तो नहीं एंट्री कर सकता है। आगे है दिखाया गया लंबाई पर कोई वाहन नहीं, मतलब 10 मीटर से लंबा कोई अगर गाड़ी है, ट्रक है, बस है, तो उसमें नहीं एंट्री करेगा। आगे जो है 12T, मतलब अधिकतम सकल वजन से अधिक वजन नहीं, है ना, मतलब 12 टन से ज़्यादा वजन वाला गाड़ी नहीं जाएगा। ये है दिखाई चौड़ाई पर कोई वाहन नहीं, इतना चौड़ाई होना चाहिए। रास्ता दे, इस तरह का रहेगा तो रास्ता दीजिए, है ना। तो ये जो था नियामक संकेत था, देख सकते हैं कि इसको पालन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, यदि आप नहीं करते ट्रैफिक के द्वारा आपको चालान भी भरना पड़ सकता है। दूसरा बात करेंगे सूचना संकेत, सूचना संकेत क्या होता है फ्रेंड, वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आगे वाला जैसे कार्यशाला सेवा जो रहेगा तो इस तरह करेगा, बस स्टॉप रहेगा, इस तरह पहले ही बोर्ड लगा दिया जाता है जिससे कि, है ना, आपको पता चल जाए कि वहाँ पर ये आने वाला है। पेट्रोल पंप रहेगा तो उसके पहले ही बोर्ड दिख जाएगा, है ना,
प्राथमिक चिकित्सा रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा तो इस तरह अस्पताल रहेगा, तो इस तरह सड़क के रास्ते नहीं, आगे अगर सड़क का रास्ता नहीं तो इस तरह का बोर्ड लगा दिया जाएगा। इसलिए ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाते हैं ना तो अपना रोड के लेफ्ट राइट बोर्ड भी देखते हुए जाते हैं, है ना। एक तरफी सड़क जो रहेगा तो ऐसा रहेगा, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है रातों रात आवास, मतलब आप रात को ठहरना चाहते हैं तो इस तरह का रहेगा 2 किलोमीटर पे, है ना। ओवरटेकिंग स्टेशन इस तरह से रहता है, ओवरटेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यूटर्न ले सकते हैं। पैदल चलने वाले का मार्ग इस तरह रहेगा, फुटपाथ रहेगा, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। पार्किंग की जगह पी रहेगा लिखा एकदम ब्लू कलर में सजा के, तो पार्किंग वहाँ लगा सकते हैं। और पिकनिक जगह इस तरह करेगा तो वहाँ पर बैठ उठ सकते हैं, गप कर सकते हैं। यहाँ पे है जलपान, तो चाय वगैरह पी सकते हैं इस तरह का अगर बोर्ड लगा रहेगा तो। खाने की दुकान अगर का मतलब आगे जो है आपका खाने की दुकान रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा तो इस तरह का चम्मच करके बोर्ड लगा दिया जाता है। खाने की दुकान जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनको सारा साइन सिंबल मिलते रहता होगा, शायद उनको नहीं पता होगा तो इस वीडियो को देख करके पता चल जाएगा। साइकिल चालकों के लिए मार्ग, है ना, ये है। और देख सकते हैं पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए मार्ग ये है, है ना। और पैदल चलने वाले के लिए मार्ग ये है ना। और टेलीफोन का रहेगा तो इस तरह का रहेगा, 2 किलोमीटर टेलीफोन है। तो ये सूचना संकेत था, मतलब इसको आप पालन आपको कर, अगर आप उस आगे है उसके बारे में डिटेल रहता है, बोर्ड लगाया रहता है, इसको अगर पालन नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो फर्स्ट हम बताएं उसका अगर पालन नहीं करते तो आपका चालान भरना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ है, आपका सुविधा मान लीजिए वो हो गया, ये है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट जैसे देखेंगे चेतावनी के संकेत, है ना। चेतावनी के संकेत जैसे कि देख सकते हैं हम, चेतावनी जैसे की बात करेंगे, है ना। दो तरफ सड़क सीधे आगे, दोनों तरफ सड़क है ना आगे जाने के बाद। यहाँ पे क्या है, सेकंड में कम उड़ान बीमा, मतलब आप अपना जो स्पीड है कम कर लीजिए। तंग पुल, मतलब नैरो पुल रहेगा, है ना, सकड़ा पुल। आस पास सड़क है, आसमान सड़क, मतलब सड़क जो है टेढ़ा मेढ़ा गड्ढा गुड्ढी वाला। चौकी इस तरह का रहेगा तो आगे चौकी है, बच्चे का स्कूल रहेगा तो इस तरह चेतावनी रहता है, आपको चेतावनी देता है कि आप सतर्क हो जाएं पहले से कि आगे स्कूल है। दोनों तरफ सक्रिय सड़क, मतलब अभी आप चौड़ा में चल रहे हैं आगे जाके पतला सड़क मिलेगा। बाईं ओर सक्रिय सड़क इस तरह का रहेगा, है ना, बाईं ओर। बाईं मतलब समझ रहे हैं ना, है ना जी, बाएँ आप जिधर चल रहे हैं उधर कम रहेगा तो आप दाहिने दबाना पड़ेगा। दाहिने और सकड़ीय सड़क, मतलब आपका दाहिने तरफ जो है क्या है, सड़क पतला है इसलिए आगे को ध्यान देना है। अन्य खतरा, कोई भी खतरा हो सकता है, ध्यान देना है। और डाइवर्जन परिवर्तन रहेगा, डाइवर्जन मतलब रोड में टेढ़ा ऊंचा इस तरह से रहता है ना, डाइवर्जन वो रहेगा तो ये रहेगा। घरेलू जानवर तो ये बोर्ड लगा रहेगा। दो मोड़ पहले बाएं तरफ, है ना, दो मोड़ तरफ बाएं तरफ, दो मोड़ पहले दाहिने तरफ, मतलब ये टर्निंग वाला रोड रहता है, आगे जाके राइट फिर ऊपर, है ना, ऐसा रहता है। नीचे की ओर खड़ी पहाड़ी, मतलब ढलाव रहेगा तो इस तरह से बोर्ड लगा दिया जाएगा। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप सतर्क हो जाए, आपका ड्राइविंग ईजी हो जाए, है ना, ड्राइवर के लिए सेफ्टी हो जाए, एक्सीडेंट कम हो। आगे प्रमुख सड़क रहेगा तो ऐसा रहेगा, सड़क बाएँ से जुड़ती है, मतलब आप ध्यान रहें स्लो रहें, कोई भी घुस सकता है। बाएं सड़क दाएं से मिलती है तो दाएं में देख सकते हैं इस तरीके से है। चौराहा रहेगा तो इस तरह रहेगा, टी जंक्शन रहेगा तो इस तरह रहेगा, बाई जंक्शन रहेगा तो इस तरह रहेगा, गिरती हुई चट्टाने फॉलिंग जा रहेगा रॉक्स तो इस तरह रहेगा, बाई और मोड़ो इस तरह रहेगा, है ना, रोड टेढ़ा है। वजी पत्थरों का प्रभाव इस तरह से रहेगा और सड़क काम करता है, सड़क काम है ना करता है, मतलब सड़क पे कोई लोग काम कर रहा हो तो इस तरह से बोर्ड लगा रहता है। नेक्स्ट जो है खतरनाक बाधा, केंद्रीय आरक्षण इस तरह से रहेगा और खतरनाक बाधा इस तरह से रहेगा, है ना, इस तरह से बोर्ड लगा रहेगा तो आप सेफ्टी हो जाए। पैदल चलने वालों का मार्ग इस तरह से रहता है और आगे सड़क में पैदल यात्री इस तरह से, खतरनाक डुबकी, मतलब आगे जो है आपका गड्ढा है ना तो आपको ध्यान देना है। रेलवे ट्रैक गेट के सामने पहले इस तरह से रहता है, बिना गेट रेलवे ट्रैक,
और बिना गेट, मतलब अगर गेट नहीं है रेलवे ट्रैक पर, है ना, तो इस तरह का बोर्ड, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक फाटक होता है तो इस तरह का बोर्ड लगाया जाता है, और कुछ कुछ मतलब गांव या छोटा मोटा शहर के बाद शायद फाटक नहीं होता था इस तरह का, बिना गेट रेलवे ट्रैक इस तरह का रहता है, बिना गेट के रहता है, फाटक नहीं होता, तो वहाँ पर आपको सावधान हो जाना है ना, क्योंकि ट्रेन कब गुजरेगी आपको खुद ही मालूम नहीं। सड़क कुल्हे इस तरह से रहेगा, है ना, मतलब मान लीजिए ठोकर रहेगा तो इस तरह से रहेगा, है ना, बोर्ड दाएं तरफ मुड़ो, इस तरह का रोड राइट साइड का रहेगा तो इस तरह रहेगा। नदी का किनारा, अगर नदी का किनारा राइट साइड में इस तरह का बोर्ड रहेगा कि आप सेफ्टी से रहें, ध्यान से रहें। राउंड अबाउट मतलब गोल चक्कर के बारे में इस तरह से रहता है ना, तीव्र बाएं मोड़ इस तरह से हल्का हल्का टेढ़ा रहेगा, तीव्र बाएं मोड़ मतलब आप NH पे जहाँ चले तो बोर्ड मिलेगा, क्योंकि हर एक रोड जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, क्योंकि सीधा रोड बना ही नहीं सकता है मतलब कोई भी इंजीनियर, क्योंकि ड्राइवर को अगर सीधा मतलब रोड मिले तो नींद आ जाएगा, इसलिए 70% रोड जो होता है सीधा होता है, बाकी 30% प्लस रोड जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है ड्राइवर के लिए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं टी जंक्शन देख रहे हैं, पूर्व बाएं मोड़े देख सकते हैं, पूर्व दाएं मोड़े देख सकते हैं, बहुत तेज़ बाएं मोड़ है ना, मतलब टेढ़ा ज़्यादा रहेगा, बहुत तीव्र दाएं मोड़ है ना, देख सकते हैं, बाएं उस उप सड़क रहेगा, दाएं उप सड़क रहेगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से फिगर, एक सड़क से दो तरफ उप सड़क, आगे देख रहे होंगे दो तरफ सड़क आगे मिलती है, फिसलन सड़क देख सकते हैं किस तरह ग्रेवल वाला रहेगा, तीव्र मोड़ बाएं है ना इस तरह रहेगा, तीव्र मोड़ दाएं इस तरह से रहेगा, और सड़क सिग्नल रहेगा तो इस तरह से बोर्ड लगा रहेगा, और यहाँ पर दिया हुआ है दोहरी सड़क समाप्त होती है, आप जो टू वे में चल रहे थे वो समाप्त होती है और वन वे में आप घुस रहे हैं, मानिए खड़ी पहाड़ी ऊपर रहेगा, चढ़ाव रहेगा तो इस तरह रहेगा, अपील जिसको बोलते हैं, और वाहन ऊंचाई सीमा इतना रहता है, और जंगली जानवर। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि साइन सिंबल का मतलब क्या होता है, चेतावनी के संकेत अगर आप पालन करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, तो आपका एक्सीडेंट बहुत ही कम होगा। सूचना संकेत के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपका जो है ड्राइविंग मतलब कुछ चीज़ का ज़रूरत है, पेट्रोल डलवाना या खाना खाना, तो ये सब के लिए आपको मतलब बहुत ही यूज़फुल होता है सूचना संकेत। और नियामक संकेत मतलब जो कि नियम बनाया गया है, ये नियम का पालन करना अनिवार्य होता है, अगर पालन नहीं करते हैं तो आपका चलान कटेगा, चलान भरना पड़ेगा, है ना, तो ये सब है, सजा हो सकता है। तो ये तीन तरह का साइन सिंबल होता है, ये बांटा गया है चेतावनी, सूचना और नियामक। तो सबसे पहले आपको याद करना है नियामक, उसके बाद चेतावनी, उसके बाद सूचना। तो ये था हमारा वीडियो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।